हेलो वेलकम एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 8, राइट। आपके टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड एग्जांपल में से एग्जांपल नंबर 8 या प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 8। तो सबको क्वेश्चन दिख रहा है, राइट। तो हमारा काम वही है, फिर से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फॉर्मेट रेडी करेंगे, एडजस्टमेंट्स को टिक मार्क करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और टैली करेंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन पढ़ने से। क्वेश्चन पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से अलग होगा, कुछ ना कुछ नया हर एक क्वेश्चन में होता जाएगा। तो लेट्स रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड फिर सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा है उन्होंने, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल अ न्यूली एस्टेब्लिश कंसर्न हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट दे आर सेइंग, कि जीवन ज्योति आर्ट सर्कल इज अ न्यूली एस्टेब्लिश कंसर्न। न्यूली मतलब अभी बना हुआ है, मतलब इसी साल बना हुआ है, यानी कि ये इनकी अकाउंटिंग का या इनका पहला साल है, यानी कि इससे पिछले साल वर दे इन एग्जिस्टेंस। आंसर इज नो, ये उनका पहला साल है, ये न्यूली एस्टेब्लिश कंसर्न है, तो इनके पास पिछले साल का कैपिटल फंड या पिछले साल के एसेट्स नहीं होंगे। जो कुछ भी होगा वो इस साल नया खरीदेंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान बना। जैसे हमने कल जो सम सॉल्व किया था प्रैक्टिकल 7, राइट, उसमें उन्होंने पिछले साल के एसेट्स एंड पिछले साल का कैपिटल फंड दिया था। तो हमने क्वेश्चन जब सॉल्व करने की शुरुआत की थी, तो सॉल्व करने की शुरुआत हमने पिछले साल के आइटम से किए थे, राइट। अब इस क्वेश्चन में वो आइटम ही नहीं है, क्योंकि ये नई न्यूली एस्टेब्लिश कंसर्न है, तो पिछले साल के आइटम्स क्वेश्चन में होंगे ही नहीं। तो हम नॉर्मल इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, जैसे हम इससे पहले वाले सम या एग्जांपल 7 से पहले वाले सम सॉल्व करते थे उसी प्रकार। बट करना क्या, हमें प्रिपेयर क्या करना है, तो उन्होंने यहाँ पर तो नहीं बताया, बट क्वेश्चन के एंड में अगर आप आओगे तो लास्ट लाइन पर उन्होंने कहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, राइट। तो पहले हम वो बना लेते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, फिर एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक मार्क करते हैं। तो फॉर्मेट इस तरह बनेगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऊपर हम वही लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ जीवन ज्योति आर्ट सर्कल इनकम एंड एक्सपेंडिचर account for the year ended 31st March 2018, right? Again, year ending is 31st March 2018, यानी कि 17-18 is the current year, है कि नहीं? And नीचे balance sheet as on 31st March 2018। तो सबका format इस तरह ready है, right? आगे बढ़ते, अगर format ready नहीं है तो video को pause करो, format complete करो, फिर आगे आ जाओ, right? हमारा अगला काम क्या है, अब हम adjustments पढ़ेंगे एक एक करके, receipt and payment items पर tick mark करेंगे। तो adjustment number 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज 5000, राइट। तो रिसिप्ट साइड में सबको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, पुट अ टिक मार्क ऑन सब्सक्रिप्शन, बस। एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो पेमेंट साइड में सबको फर्नीचर दिख रहा है क्या, पहले ही आइटम है, तो पुट अ टिक मार्क ऑन फर्नीचर। एडजस्टमेंट नंबर 3, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करना है नथिंग बट, जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में किया था, नथिंग बट उन्हें कैपिटल फंड में ऐड करना है। किसे किसे? फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस, तो रिसिप्ट साइड में सबको दिख रहा है एडमिशन फीस, तो उसके आगे ब्रैकेट में कैपिटलाइज या कैप लिख के रखो, अप टू यू, यू कैन राइट शॉर्ट फॉर्म, कैपिटलाइज का शॉर्ट फॉर्म कैप, CAP, जैसे मैंने लिखा ब्रैकेट में कैप, कैप यानी कि कैपिटलाइज। तो एडमिशन फीस की पूरी अमाउंट कैपिटलाइज करनी है, लेकिन डोनेशंस की वो कह रहे हैं 50% अमाउंट ही कैपिटलाइज करनी, तो डोनेशन पे मैं टिक मार्क करूंगा, क्योंकि वो पूरा नहीं करना है, एडमिशन फीस पूरा करना है, इसलिए पूरे अमाउंट को मैंने कैपिटलाइज बोल दिया एंड डोनेशन पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो, देखते करना क्या है। इज इट क्लियर? राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं वो, एडजस्टमेंट नंबर, बस इतनी तीन ही एडजस्टमेंट्स थी। पहली एडजस्टमेंट थी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, टिक मार्क कर लिया, फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो एंड एडमिशन फीस एंड डोनेशन को कैपिटलाइज करो। सो वेरी इजी सम। अब आगे बढ़ते, अब हम क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड के आइटम्स को हमारे फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रिसिप्ट साइड। अगेन, रिसिप्ट साइड का आइटम आइदर आपका बनेगा इनकम या फिर लायबिलिटी, इसके अलावा वो और कहीं नहीं जाएगा। पिछले साल का आइटम भूल जाओ। तो शुरुआत ही उन्होंने कहा है एडमिशन फीस, हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है, एडमिशन फीस के आगे कैपिटलाइज नथिंग बट उसे कैपिटल फंड में ऐड करना है। नाउ ये बिंग इनका पहला साल, पिछले साल कैपिटल फंड था क्या? आंसर इज नो। तो मैं लिखते वक्त लिख रहा हूँ कैपिटल फंड, उसके आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ प्लस एडमिशन फीस इन अ कॉलम में 22,000। तो पहले का कैपिटल फंड जीरो, अभी के 22,000, नीचे 22,000 बचेगा, राइट। कैपिटल फंड मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये मेरे एसोसिएशन का पहला साल है, पिछले साल मेरा एसोसिएशन था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन की शुरुआत में कहा है कि इट इज़ अ न्यूली स्टार्ट कंसर्न, तो ये इनका पहला साल है, इसलिए इनके पास पहले से ही कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं है। जो वो एडमिशन फीस है उसी को वो कैपिटलाइज करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए कैपिटल फंड पहले का मेरे पास कुछ नहीं है, प्लस एडमिशन फीस 22,000। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन एज यूजुअल जाएगा इनकम में, इनर कॉलम में 40,000, लीव वन लाइन, पुट एरो।
सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन, अगेन इनकम में इनर कॉलम 18,000, लिव वन लाइन पुट एरो, राइट। तो सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड। तो पेमेंट का पहला आइटम दिया उन्होंने फर्नीचर। अगेन पेमेंट का आइटम इधर आपका एसेट होगा या फिर खर्चा होगा। पेमेंट साइड जब हम पढ़ेंगे तो वो एसेट होगा या फिर एक्सपेंडिचर होगा। एसेट विल गो टू द एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट साइड एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगा। पहला आइटम फर्नीचर इज व्हाट? फर्नीचर इज आर एसेट, तो इट विल पोस्टेड टू द एसेट साइड। इनर कॉलम 12,000, लीव वन लाइन पुट एरो। नेक्स्ट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी इज व्हाट? एक्सपेंस, तो खर्चे में मैं लिखूंगा टू स्टेशनरी 4,000। स्टेशनरी के बाद ऑफिस रेंट, अगेन इट इज खर्चा, तो खर्चे में टू ऑफिस रेंट 2,600। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। अगेन न्यूज़पेपर पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर मैगजीन्स पीरियडिकल जर्नल्स, ये हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे में मैं लिखूंगा टू न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स 300। नेक्स्ट इज टेलीफोन एक्सपेंस, नाम में टेलीफोन का खर्चा एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस में टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 560। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज आर एसेट्स, तो एसेट साइड में मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट 23,000। उसके बाद है बैलेंस कैरेट डाउन, एंड बैलेंस कैरेट डाउन के अंडर कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, नथिंग बट कैश इन हैंड कैश एट बैंक, यानी कि इस साल के एंड में मेरे पास इतना कैश इन हैंड और इतना कैश एट बैंक बचा है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक फाइनल अकाउंट से याद करो, कैश इन हैंड कैश एट बैंक कहाँ जाता है? एसेट्स में। तो मैं उसको सिंपली उठा के एसेट्स में लिखूंगा कैश इन हैंड 7,540, कैश एट बैंक 30,000, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मेरा कैश इन एंड कैश एट बैंक तक हो गया, मतलब मेरा पेमेंट साइड भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे? अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, डबल इफेक्ट देंगे एंड देन इनको क्लोज करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज 5,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो इनकम साइड में सबको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 40,000, उसमें ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000, टोटल सब्सक्रिप्शन बाहर बचा 45,000। सिंपल, सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, आना बाकी है, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा ऑन दी एसेट साइड, राइट। तो एसेट्स में मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000। इज इट क्लियर? पहली एडजस्टमेंट काफी सिंपल है, हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन के पैसे आने बाकी है तो आउटस्टैंडिंग है, इसलिए पहले मैंने सब्सक्रिप्शन में ऐड किया। एंड ये मेरे लिए एसेट क्यों बना? क्योंकि सब्सक्रिप्शन का पैसा आना बाकी है, रिसीवेबल है, इनकम है। इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा मिलना बाकी है, तो एसेट्स में चला गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। इज इट क्लियर? पहला एडजस्टमेंट इजी था, हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट उससे भी इजी है, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो एसेट्स में देखो हमारा फर्नीचर है कितना, 12,000। 12,000 का 10% होता है 1,200, तो माइनस डेप्रिसिएशन 10% 1,200, बाहर मेरा फर्नीचर बचेगा 10,800। एंड अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट जाएगा ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर में मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर या टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके फर्नीचर 1,200। सिंपल एडजस्टमेंट नंबर टू। अब थर्ड एंड लास्ट एडजस्टमेंट, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% ऑफ द डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज। तो फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस, तो ऑलरेडी एडमिशन फीस मैंने कैपिटल फंड में ऐड किया, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी फुल अमाउंट, ऑलरेडी जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने एडमिशन फीस के आगे कैपिटलाइज करके लिखा था और उसे मैंने कैपिटल फंड में ऑलरेडी ऐड कर लिया है। मतलब थर्ड एडजस्टमेंट का पहला पार्ट, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज, वो कर लिया। अब उसमें उन्होंने कहा है 50% ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज, तो डोनेशन मुझे इनकम में दिख रहा है, कितना डोनेशन है मेरे पास 18,000, उसका 50% यानी कि 9,000, तो मैं लिखूंगा माइनस कैपिटलाइज 50% 9,000, तो 18 माइनस 9 9,000 बाहर बचे। एंड जो 9,000 मैंने माइनस किए है उसका सेकंड इफेक्ट मैं कैपिटल फंड में ऐड करूंगा प्लस डोनेशन 9,000, तो अब मेरी कैपिटल फंड की टोटल नीचे बचेगी 31,000। इज इट क्लियर? पहले का कैपिटल फंड 22 एंड अभी मैंने उसमें 9,000 ऐड किए, तो टोटल कैपिटल फंड नीचे बचा 31,000। यहाँ पर हमारी तीसरी एडजस्टमेंट यानी कि लास्ट एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुई। अब करना क्या है, तो मैं अभी फिर से आप सबको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करो, देखो सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है, वो सरप्लस या डेफिसिट कैपिटल फंड में ऐड करो, कैपिटल फंड की टोटल बाहर करो एंड बैलेंस शीट को टैली करो। 5 मिनट है आपके पास। चलो तो सबका टैली हो गया, आई होप सबका टैली होगा, आसान काम था, क्वेश्चन काफी ईजी है, बहुत जल्दी हो गया हमारा सॉल्व। तो क्या हुआ, सबका टैली हुआ,
अगर टैली नहीं हुआ है तो चेक करो आपका टैली क्यों नहीं आ रहा, टैली हुआ तो भी चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं, राइट। मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एज यूजुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करूंगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिर से क्लोज करते वक्त इनकम की टोटल 54,000 आ रही है, एक्सपेंडिचर की टोटल 8,660 ही आ रही है। तो फिर से इनकम साइड 54,000 इज हैवी, तो मैं दोनों तरफ 54,000 लिखूंगा एंड मैं डिफरेंस लूंगा 54,000 माइनस 8,660, मेरा डिफरेंस आ रहा है 45,340। इस डिफरेंस को फिर से मैं डेबिट में लिखूंगा क्योंकि इनकम यानी कि क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो डिफरेंस चला गया डेबिट में एज माय बैलेंसिंग फिगर, जिसे मैं कहूंगा फिर से सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, राइट। अब इस सरप्लस को मैं उठाऊंगा, कितना सरप्लस आ रहा है 45,340, उसे उठाऊंगा एंड बैलेंस शीट में मैं ऐड करूंगा प्लस सरप्लस 45,340 एंड अब मेरा कैपिटल फंड का फाइनल टोटल बाहर आ जाएगा 76,340। इज इट क्लियर। तो बैलेंस शीट में सबका कैपिटल फंड का टोटल बाहर आया 76,340। अब करना क्या है, अब बैलेंस शीट को टैली करना है। तो बैलेंस शीट शुड गेट टैली एट 76,340। लायबिलिटी में एक ही आइटम है कैपिटल फंड, एसेट्स में जितनी भी आइटम है उनको ऐड करोगे तो 76,340 आ रहा है। लायबिलिटी में कैपिटल फंड 76,340 यानी कि लायबिलिटी का टोटल भी 76,340 है। माय बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड एट 76,340। इज इट क्लियर। तो बैलेंस शीट टैली हुआ मतलब यहाँ पर हमारा एग्जांपल नंबर 8, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। काफी आसान, बहुत सिंपल था, हमें हार्डली 10 मिनट लगे इसे सॉल्व करने में। इज इट क्लियर। तो केवल 10 मिनट लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम और एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज इसी के आगे वाला क्वेश्चन, दैट इज प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 9, राइट। तो वीडियो को पॉज करो, मैं सबको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपको दो चीज़ें करनी है, एक क्वेश्चन पढ़ो एंड दूसरा फॉर्मेट को रेडी करो, फिर हम आगे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर। तो वीडियो को पॉज करो एंड इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज एग्जाम्पल नंबर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए फॉर्मेट रेडी करो। चलो, तो सबने प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 9 का फॉर्मेट रेडी किया, लेट्स सी इट कि क्या करना है, कैसे करना है। तो क्या कहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा है, गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विठाई महिला मंडल पंडरपुर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, राइट। तो उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर वॉट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। तो क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और ऊपर कहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबका फॉर्मेट इस तरह रेडी है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ विठाई महिला मंडल कॉमा पंडरपुर, नेक्स्ट लाइन पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नेक्स्ट लाइन पर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, मतलब 17-18 इज देयर करंट ईयर, राइट। एंड अगले पेज पर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट सबका फॉर्मेट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, टिक मार्क करेंगे उसके हिसाब से। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, कैपिटल फंड ऑन 1st April 2017 वॉज 90,000। अगेन दिस इज नॉट एन एडजस्टमेंट, दिस इज इंफॉर्मेशन। कैपिटल फंड हमें हर एक क्वेश्चन में, जब भी बैलेंस शीट बनानी होगी तो हमें कैपिटल फंड क्वेश्चन में चाहिए, तो उन्होंने दे दिया आपको कैपिटल फंड। तो इसका करना क्या है, बाद में देखते, कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹4,000। तो रिसिप्ट साइड में सबका सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, पुट अ टिक मार्क ऑन सब्सक्रिप्शन। एडजस्टमेंट नंबर 3, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर ब्रैकेट में लिखो कैप, कैप यानी कि कैपिटलाइज करना है, पूरी की पूरी एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, रेंट पेड इंक्लूड्स ₹800 पेड फॉर April 2018, राइट। टेक अ पॉज, इसका मतलब पहले समझते हैं, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31st March 2018 को। एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि रेंट में आपने April 2008 यानी कि अगले साल का पहले महीने का, अप्रैल मार्च में ईयर एंड हो रहा है, आपने रेंट अप्रैल का यानी कि अगले साल का यानी कि अगले महीने का, नथिंग बट अगले साल का रेंट आपने एडवांस पे किया, दिस इज नथिंग बट प्रीपेड रेंट, सिंपल, राइट। तो पेमेंट साइड में रेंट पे पुट अ टिक मार्क, राइट। आपने April 2018 यानी कि अगले साल के पहले महीने का रेंट आपने पे किया, हमारा मार्च 18 में ये साल खत्म हो रहा है, आपने रेंट अप्रैल 18 का पे किया, मतलब नेक्स्ट ईयर का यानी कि नेक्स्ट मंथ का रेंट पे किया। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, पेमेंट साइड पे रेंट पे एक टिक मार्क दूंगा, नथिंग एल्स। नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5,
दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी 1 अप्रैल 2017 के दिन, यानी कि साल के शुरुआत में नथिंग बट पिछले साल के बचे हुए एसेट्स एंड लायबिलिटी आपके पास थे, फर्नीचर बिल्डिंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कब के बाकी है आपके पास? लास्ट ईयर के बाकी है। तो सब जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हम सम इसी के साथ शुरू करेंगे, देखते क्या करना है। तो इसके लिए कहीं पर टिक मार्क करना है क्या? द आंसर इज नो। बट एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि जब भी आपके पास पिछले साल के एसेट्स एंड लायबिलिटी दिए जाएंगे तो आपको रिवर्स चेक करना है। एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि आपके पास फर्नीचर बिल्डिंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो कि पेमेंट या रिसिप्ट में इज देर एनी एडजस्टमेंट, इज देर एनी आइटम कॉल्ड फर्नीचर बिल्डिंग या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो पेमेंट में भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ना फर्नीचर है, ना बिल्डिंग है, ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ना रिसिप्ट में मुझे कुछ दिख रहा है, राइट? तो इसका मतलब है इस साल आपने बिल्डिंग में कुछ नया खरीदा नहीं है, फर्नीचर में कुछ नया खरीदा नहीं या बेचा नहीं, वैसे ही लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग आपने शायद पे नहीं किए हैं। तो इसके लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल इन्फॉर्मेशन कि आपके पास पिछले साल का फर्नीचर, पिछले साल का बिल्डिंग एंड पिछले साल के खर्चे बाकी है। इज इट क्लियर? तो जब हम सम की शुरुआत करेंगे तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे। तो हमने क्या किया, 1 to 5 सारे एडजस्टमेंट्स पड़े, जिन आइटम्स पर जरूरत थी वहां पर टिक मार्क किया। अब हम पोस्टिंग करेंगे। अगेन ये मेरा फॉर्मेट है, जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो फिर से जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, आई हैव टू स्टार्ट विद द लास्ट ईयर के बैलेंस आइटम। कल के लेक्चर में हमने किया था कि मेरे पास पिछले साल क्या क्या था, तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने एडजस्टमेंट 1 एंड एडजस्टमेंट 5 में दिए। तो एडजस्टमेंट 1 में वो कह रहे हैं कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 90,000। तो सबसे पहले कैपिटल फंड में लिखूंगा, ऑन द लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड इन अ कॉलम 90,000, बस और कुछ नहीं करना। इट इज नॉट एडजस्टमेंट, इट इज इन्फॉर्मेशन, एक इफेक्ट। फिर मेरे पास पिछले साल और क्या था, तो एडजस्टमेंट 5 में वो कह रहे हैं दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017, फर्नीचर 9,000, बिल्डिंग 70,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000। तो उनको उठाओ, राइट? फर्नीचर एंड बिल्डिंग इज माय एसेट, तो मैं एसेट्स में लिखूंगा, एसेट्स में लिखो फर्नीचर 9,000 आउटर कॉलम, बिल्डिंग 70,000 आउटर कॉलम, एज सिंपल एज दैट। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी थे लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि पिछले साल एक्सपेंस देने बाकी थे, खर्चे थे, मुझे पैसा देना बाकी था, तो देना बाकी यानी कि लायबिलिटी, तो मैं उसे लिखूंगा ऑन दी लायबिलिटी साइड, कैपिटल फंड के बाद कुछ लारे छोड़ के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000, राइट? पिछले साल के बचे हुए आइटम मैंने कैरी किए, राइट? और कुछ नहीं करना है इसका। आगे बढ़ो, चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, मतलब हमने क्या किया, पहले एडजस्टमेंट्स पर टिक मार्क किए, फिर पिछले साल के जो बचे हुए आइटम्स थे वो मैंने मेरे बैलेंस शीट में लिख लिए। अब मैं रिसिप्ट साइड के आइटम एक एक करके हमारे फॉर्मेट में पोस्ट करूंगा। फिर से वही लॉजिक, रिसिप्ट साइड का आइटम इनकम बनेगा या फिर लायबिलिटी बनेगा। तो रिसिप्ट में पहला आइटम है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इग्नोर इट, पढ़ते ही आपको याद होना चाहिए कि बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि पिछले साल का बैलेंस है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लास्ट ईयर आइटम, इग्नोर इट। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस, ब्रैकेट में हमने लिखा है कैपिटलाइज, तो मैं क्या करूंगा, एंट्रेंस फीस को कैपिटल फंड में ऐड करूंगा, कैपिटल फंड में लिखूंगा प्लस कैप, कितने हैं मेरे एंट्रेंस फीस, मेरे एंट्रेंस फीस है 3,500, तो मेरा नीचे कैपिटल फंड बचेगा 93,500, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम क्या दिया उन्होंने, अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन एज यूजुअल इज माई इनकम, तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, राइट? इन अ कॉलम में 19,000, लीव वन लाइन पुट आर। नेक्स्ट आइटम इज मिसलिनियस रिसिप्ट, मिसलिनियस मतलब छोटे मोटे रिसिप्ट, तो नथिंग बट दिस इज ऑल्सो माई इनकम, तो ये भी जाएगा इनकम में बाय मिसलिनियस रिसिप्ट 850, राइट? तो रिसिप्ट साइड के सारे आइटम्स हो गए, एंट्रेंस फीस को मैंने कैपिटलाइज किया, सब्सक्रिप्शन एंड मिसलिनियस रिसिप्ट इनकम में चले गए। अब चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड, पेमेंट साइड के आइटम्स पोस्ट करते वक्त क्या याद रखना है कि पेमेंट का आइटम आइदर आपका खर्चा होगा या फिर एसेट होगा। इज इट क्लियर? तो पहला आइटम स्टेशनरी, स्टेशनरी इज व्हाट, एक्सपेंस, तो खर्चे में लिखो टू स्टेशनरी 6,000, राइट? नेक्स्ट इज रिपेयर्स टू फर्नीचर, अगला आइटम क्या है, रिपेयर्स टू फर्नीचर, इट इज नॉट फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा नहीं है, आपने फर्नीचर को रिपेयर किया है, तो इट इज योर एक्सपेंस, इट इज नॉट योर एसेट्स, इसका फर्नीचर पर कोई असर नहीं होगा। गेटिंग इट, इट इज रिपेयर टू फर्नीचर, आप फर्नीचर को रिपेयर कर रहे हो, इससे आपका फर्नीचर ना बढ़ेगा ना कम होगा, जो क्या था, खराब था फर्नीचर, वो बस आपने रिपेयर किया। इज इट क्लियर? तो फर्नीचर अगर पहले एक चेयर थी तो अभी भी एक ही चेयर है आपके पास, इज इट क्लियर, आपने बस उसको रिपेयर किया, एक की दो चेयर नहीं हुई। गेटिंग इट, तो फर्नीचर ना बढ़ा ना फर्नीचर कम हुआ, फर्नीचर बस रिपेयर हुआ, राइट? तो फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए जो मैं पैसा दे रहा हूँ, इससे मेरा एसेट क्रिएशन नहीं हुआ, तो इसलिए ये मेरे लिए एक्सपेंस कहलाएगा, और मैं उसे एक्सपेंसेस में लिखूंगा टू रिपेयर्स टू फर्नीचर 950। रिपेयर्स टू फर्नीचर के बाद अगला आइटम इज रेंट, तो रेंट एज यूजुअल खर्चा, तो खर्चे में मैं लिखूंगा टू रेंट, इन अ कॉलम में 8,300, लीव वन लाइन पुट आर।
रेंट के बाद सैलरीज, अगेन इट इज़ माय एक्सपेंस, तो खर्चे में मैं लिखूंगा टू सैलरीज 15,000। एंड नेक्स्ट इज मिसलिनियस एक्सपेंसेस, तो नाम में ये मिसलिनियस एक्सपेंस खर्चा, तो खर्चे में जाएगा टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस 450। नेक्स्ट इज बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन मतलब साल के एंड में आपके पास कैश इन हैंड, कैश बैंक बचा, ये साल के एंड वाला है मतलब इस साल का है, तो ये जाएगा ऑन द एसेट साइड, तो एसेट्स में मैं लिखूंगा कैश इन हैंड 1650, कैश एट बैंक 14,000। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े, मतलब हमारा पेमेंट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ, अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड 90,000, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, तो सब्सक्रिप्शन इज माई इनकम, इनकम में लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग 4,000, है कि नहीं, तो टोटल सब्सक्रिप्शन बाहर हो जाएगा 23,000, पहले के 19,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 4,000, टोटल बाहर बचा 23,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, आना बाकी है यानी कि ये मेरे लिए बन गया एसेट्स, तो एसेट्स में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, राइट। तो ये एडजस्टमेंट नंबर टू का डबल इफेक्ट हो गया, मैंने सब्सक्रिप्शन में ऐड किया एंड एसेट्स में लिखा। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर थ्री पर। एडजस्टमेंट नंबर थ्री इज एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो कैपिटल फंड में देखो ऑलरेडी हम एंट्रेंस फीस ऐड कर चुके हैं, तो फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर फोर, रेंट पेड इंक्लूड्स रुपीज 800 पेड फॉर अप्रैल 2018, यानी कि रेंट में से 800 रुपये अप्रैल 2018 यानी कि अगले साल के प्रीपेड है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा पेमेंट साइड में एक्सपेंडिचर में, सबको रेंट दिख रहा है, कितना रेंट है एक्सपेंडिचर में 8,300, उसमें कहूँगा माइनस प्रीपेड 800, तो बाहर बचेगा 7,500। एंड इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा ऑन दी एसेट साइड, प्रीपेड रेंट 800, प्रीपेड रेंट, रेंट आपने एडवांस में पे किया, अगले साल का रेंट आप अभी पे कर रहे हो, तो मैंने प्रीपेड रेंट रेंट से माइनस किया एंड एसेट्स में सेकंड इफेक्ट दिया, एज यूजुअल फाइनल अकाउंट जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही, राइट। तो रेंट से माइनस हो गया एंड एसेट्स में चला गया। एंड अब लास्ट एडजस्टमेंट नंबर फाइव, दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फर्नीचर बिल्डिंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो ऑलरेडी मैं बैलेंस शीट में लिख चुका हूँ, फर्नीचर बिल्डिंग मैंने एसेट्स में लिखी है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने लायबिलिटी में लिखा हुआ है, तो इसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। यानी कि यहाँ पर हमारे पांचों के पांचों एडजस्टमेंट हो गए। अब हमारा अगला काम क्या है, अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे एंड बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तो लेट्स क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फर्स्ट, राइट। तो इसे क्लोज करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इनकम की टोटल लेता हूँ, तो इनकम साइड में दो ही आइटम है, उसकी टोटल है 23,850, राइट। एक्सपेंडिचर की जितनी भी आइटम है उनकी टोटल आ रही है 29,900। तो इस बार क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर साइड बड़ी आ रही है, इनकम साइड छोटी आ रही है, यस और नो, है कि नहीं। तो एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 29,900 एंड इनकम का टोटल आ रहा है 23,850, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड बड़ी हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल मैं 29,900 दोनों तरफ लिखूंगा, क्योंकि 29,900 इज द ग्रेटर टोटल। अब मैं डिफरेंस लूंगा 29,900 माइनस 23,850, डिफरेंस आ रहा है 6,050। इस डिफरेंस को मैं लिखूंगा इनकम साइड में, क्योंकि एक्सपेंडिचर बड़ा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो जो शॉर्ट टोटल है उस तरफ मैं डिफरेंस लिखूंगा, ये मेरा 6050 इज द डिफरेंस, उसे मैं लिखूंगा बाय डेफिसिट एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यहाँ पर एक्सपेंडिचर एक्सेस में, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से, इसलिए मैं उसे क्या लिख रहा हूँ, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 6,050, नथिंग बट डेफिसिट, डेफिसिट यानी कि लॉस। जैसे कि अगर इनकम बड़ी होती तो उसे हम सरप्लस यानी कि प्रॉफिट यानी कि सरप्लस, वैसे नुकसान यानी कि डेफिसिट, तो मैंने उसे लिखा बाय डेफिसिट, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब इस डेफिसिट का करना क्या है, इस डेफिसिट को उठाओ एंड कैपिटल फंड से सब्ट्रैक्ट करो, लायबिलिटी में कैपिटल फंड है सबके पास, तो कैपिटल फंड में लिखो माइनस डेफिसिट 6,050, तो कैपिटल फंड माइनस करके मतलब कैपिटल फंड का बाहर टोटल आ जाएगा 87,450 इज द कैपिटल फंड का फाइनल अमाउंट टू द आउटर कॉलम। अब करना क्या है, अब इस बैलेंस शीट को हमें टैली करना है, तो बैलेंस शीट को टैली करने के बाद टोटल आ रही है 99,450, एसेट्स का टोटल 99,450, लायबिलिटी का टोटल भी 99,450, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल नंबर 9 या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 भी टैली हुआ है कि नहीं। तो आज हमने दो सम सॉल्व किए, 8 एंड 9, दोनों में बैलेंस शीट पूछी थी, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पूछा था, बैलेंस शीट भी पूछी थी, दोनों काफ़ी आसान सम थे,
तो आज का आपका होमवर्क ही यही है कि आपको इन दोनों सम्स को फिर से एक एक बार रिसॉल्व करना है, राइट। तो आज हम यहीं रुक रहे हैं, कल हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 10। तो उसको पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। अगेन वो भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी हम कुछ नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, राइट। तो कल हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10, तो उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। तो आज हम यहीं रुक रहे हैं, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो।